नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 4 साल बाद भी नौकरी क्यों नहीं है, ये सवाल 2018 एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार 1.5 साल से पूछ रहे हैं कि आखिर लिखित परीक्षा भी पास कर ली है, दौड़ भी निकाल ली है, मेडिकल क्लियर किया है, फिर भी 4 साल बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, नौकरी का इंतजार आखिर कब तक होगा। तो आज बात देश के ऐसे ही नौजवानों की जो न्याय मांग के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक कर ठोकरे खा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थियों की। आखिर कौन है युवा और क्यों बार बार इनका जिक्र होता है, फिक्र होती है मगर फिर भी न्याय नहीं मिलता है। पिछले 1.5 साल से दिल्ली की सड़कों पर ये भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें न्याय क्यों नहीं मिला है, क्या है वो विवाद जिसकी वजह से ये जो भर्ती है वो लटकती हुई और भटकती हुई नजर आ रही है। इनका आंदोलन लगातार जारी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि वर्दी दो या फिर अर्थी दे दो, ये नारा पिछले 1.5 साल से लगातार हम सुन रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया इनकी आवाज पहले भी कई बार बन चुका है और आज एक बार फिर से इनकी आवाज हम बन रहे हैं। तो नागपुर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा है। मंत्रियों से मुलाकात हो गई है, सांसदों से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो न्याय की लड़ाई है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं रुख करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये जो आंदोलन है आगे कितने दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक पदयात्रा निकाली थी। नागपुर से पैदल चलकर ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगी जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील नामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम। सुनील, अभी आप कहाँ हैं और ये जो नागपुर से पदयात्रा आप लोगों ने निकाली थी और कई ऐसे भी अभ्यर्थी रहे जिन्हें कई चोटें भी आई हैं, तो आखिर किस तरह से पूरी दिनचर्या गुजर रही है? जी मैम, सबसे पहले तो आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया का धन्यवाद कि आपके मंच से हमारी आवाज पूरे देश भर में जा रही है, तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 दिन से हम लगातार नागपुर से चले हैं और अभी मैं दिल्ली में उपस्थित हूँ। मैं यहाँ की जो है गवर्नमेंट से वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 1 तारीख से नागपुर से निकले थे और अभी बीच रास्ते में ही है हमारा सफर। आपको पता चल चुका होगा कि 1100 किलोमीटर लगभग बिल्कुल का है। तो मैं इस पे बताना चाहूंगा कि आपको कि इसमें हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी जो है सरकार होगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो मंत्रियों से मुलाकात करना चाहते हैं तो क्या कोई लेटर भेजा है आपने, कुछ आश्वासन मिला, कोई आया आपसे बातचीत करने के लिए? क्योंकि 1-2 दिन की बात तो है नहीं, पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आप दिल्ली की सड़कों पर खाक छान रहे हैं। जी मैम, मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि हमारी बीजेपी के कुछ नेता लोगों से बात हुई है जो सिर्फ आश्वासन देते हैं, हमें झूठा लुभावना देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं देते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इनकी तरफ से हमारे पास में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम अपना अगला कदम उठाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पिछले लगभग 70 दिनों से हमारा नागपुर में आमरण अनशन चल रहा था जो हमारा रामदास अठावले जी ने तोड़वाया था, ये कहकर के अमित शाह जी से हम आपकी बात कराएंगे कि आप अपना आमरण अनशन तोड़ दो। जब हम दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने एक डेट दी हमको, उसमें डेट में हमें ये नहीं पता है कि वे हमारा मीटिंग कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन जब तक हमें खुद अमित शाह जी से बात नहीं हो जाती तो हम इसी तरीके से दूसरा नेक्स्ट स्टेप उठाते चले जाएंगे। जैसे कि हमने अभी 1 तारीख से स्टार्ट किया, हमने पैदल मार्च यात्रा की है नागपुर से दिल्ली के लिए, कुछ दूर चले हैं। हमारे कुछ साथियों के पैर में आपने देखा होगा कि छाले भी पड़ चुके हैं, हाथ में तिरंगा है लेकिन उनका जनून अब तक नहीं टूटा है। उन्हें पता है कि जब हम हमारे शरीर में प्राण रहेंगे जब तक हम अपनी वर्दी के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और एक और नारा था आपका और है भी वो नारा कि या तो वर्दी दो नहीं तो अर्थी दे दो,
इस नारे पर किसी के भी दिल जो है वो पिघल जाएगा, क्योंकि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं देश के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद जो उम्मीद बार बार जाग रही है वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों की बात भी सुन रहे हैं और अपने माध्यम से आपकी आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई इस पूरे मसले पर कुछ ना कुछ हल निकाल सकते हैं। पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद भी पद नहीं भरे जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा दिन कैसे बीत रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आप कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी जंतर मंतर पहुँच जाते हैं, कभी गुरुद्वारे में शरण लेते हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? इस बार भी हालात वैसे ही हैं? जी मैम, पूरी तरीके से हालात जैसे थे उससे भी बदतर हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे कुछ साथी दूसरे पैनल में, दूसरे स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनके हालात और दिनचर्या कैसे चल रही है। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो 1.5 साल का लगभग सफर हो रहा है, ये एक ऐसा सफर है मैम कि जिसको एक वर्दी का जुनून होता है वो इतना ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, वरना अगर ये कोई नॉर्मल पोस्ट होती है। सुनील, ये जुनून कब तक रहेगा? क्योंकि 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल मायने रखता है। ये जुनून तब तक रहेगा जब तक हमारे शरीर में प्राण है, और ये प्राण तब तक जिम्मेदारी मैं इतना मानता हूँ कि ये प्राण तब तक शरीर के अंदर रहेंगे जब तक हमको वर्दी नहीं मिल जाती। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे देवता जो भगवान है वे अमित शाह जी है, जो हमारे इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। तो जब तक हमारी मीटिंग अमित शाह जी से नहीं हो जाती तब तक ये जुनून तो सर पर सवार रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि देश सेवा का जो है जुनून वो अलग होता है किसी एक नॉर्मल जुनून से। ठीक है, एक और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज तभी मुझ तक आ पाएगी। ओके, हाँ जी, आपकी आवाज आ गई। अब पहले अपना नाम बताइए। मैडम मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। मैडम मेरा आवाज आ रहा है? जी जी, मेरा नाम है अमिता सलाम, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ और हम लोग, मेरे साथ और भी साथी लोग हैं मैडम जी। अनिता पहले ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और कितने दिनों से आप इस आंदोलन में शामिल हैं? सर इस आंदोलन में मेरे को शामिल है, मतलब हम शुरू से ही शामिल है मैडम, कि इस आंदोलन को चलते हुए 1.5 साल हो रहे हैं मैडम, और आज हम लोग का पैदल मार्च का 14th दिन है मैडम, और अभी हम MP के छिंदवाड़ा गांव में हैं मैडम। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एक जो प्रभाव है वो सरकार पर पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन 1.5 साल से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कई मंत्रियों से, कई विधायकों से, कई सांसदों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अनीता क्या मांग है? कितने लोग आपके साथ हैं? कितनी लड़कियां हैं? मैडम अभी फिलहाल तो यहाँ मेरे साथ कुल मेडिकल पीट अभ्यर्थी 55,000 है मैडम, और यही मतलब अभी मेरे साथ पैदल मार्च में 45 है मैडम, और इसमें से 44 लड़के लोग हैं, और 40 लोग लड़के लोग हैं और 6 लड़कियां हैं मैडम। तो आंदोलन कब तक चलेगा, क्या सोचा है? क्योंकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनकी एज ओवर हो चुकी है, क्योंकि इस आंदोलन को लगातार पिछले 1.5 साल से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया कवर करता हुआ नजर आ रहा है। जी मैडम, इसमें तो 75% लोग हैं सर मैडम की ओवर एज हो चुके हैं, और कोई दूसरी भर्ती प्रक्रिया कर भी नहीं सकते मैडम, क्योंकि अब हमारे घर का भी आर्थिक स्थिति ऐसा है कि हम दोबारा कोई मतलब एग्जाम तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब घर के हैं मैडम, क्योंकि
किसान के बेटे या बेटियां ही मतलब फौज में जाना पसंद करती है मैडम। कोई अधिकारी या कलेक्टर या कोई नेता का बेटा या बेटी मतलब फौज में नहीं जाता मैडम, क्योंकि एक देखा जाए हमारे माता पिता जो खेती किसानी करके देश का मतलब देश को पालते हैं मैडम, और हम एक है कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है मैडम। और ये जो आंदोलन है मैडम, जब तक हमारे शरीर में जान है मैडम तब तक हम इस आंदोलन को लड़ेंगे मैडम, क्योंकि ये हमारा हक है मैडम और हम अपना हक लेके ही रहेंगे। कैसे आगे क्या विकल्प है, क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं कुछ अभ्यर्थी और सरकार की तरफ से जो आश्वासन लगातार मिल रहा है मंत्रियों की तरफ से वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैसे अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या सोचा है आगे, क्या काम किया है? हम लोगों ने तो सभी जंतर मंतर पर धरना भी दे लिया जी। देखिए मैडम, हम लोगों ने हर सांसद हर नेता को पता है कि हमारा आंदोलन चल रहा है, फिर भी उन लोगों ने हमें आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहे हैं, डेट के ऊपर डेट दिए जा रहे हैं। अभी हमारे भैया बताएं कि हमारा जो अनशन, जो हम लोग ने 70 दिन तक अनशन किया, जिसमें से हम खुद अनशन में 20 दिन बैठे थे और हमें 21 सलाइन लगा था, और मेरे साथ और भी लड़कियां थी जो बाकी बहुत उन लोग का कई तरह से पानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और जहां हम आमरण उपोषण नागपुर में बैठे थे मैडम, वहां पे कुछ बाथरूम की सुविधा नहीं थी, ना पीने की पानी भी ढंग से नहीं मिलता था, और पीने की पानी के लिए भी कई मतलब पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता था या कहीं से मंगना पड़ता था, मतलब बहुत सारे मतलब सुनना पड़ता था कि पानी नहीं देंगे, ये सब चीज झेलना पड़ता था मैडम। और हमारा यही संकल्प है कि अगर हमारी बात को सुना नहीं जाएगा तो हम वो चीज करेंगे जो एनटीपीसी वालों ने बिन अपना सरकारी संपत्ति को टेस्ट पहुंचाया था। उन्होंने तो सरकारी संपत्ति को टेस्ट पहुंचाने के बावजूद भी उन्हें मतलब उसका हक दिया गया मैडम, और हम लोग तो 1.5 साल से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, या फिर वही चाहते होंगे कि या फिर हमें उसी चीज को करने के लिए उकसा रहे होंगे। अनीता, जिस क्षेत्र में आप इस वक्त आंदोलन कर रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं, आपके साथ 45 अभ्यर्थी, आप बता रही हैं कि 45 अभ्यर्थी हैं, आप पहले बताइए कि रहने खाने की समस्या से किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपकी यहाँ मदद कर रहा है क्या, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक से या सांसद से आपकी कोई मुलाकात हो पाई है, किसी अधिकारी से मुलाकात हो पाई हो, कोई देख रहा है, या कि एक 45 लोगों का जो ग्रुप है पूरा यहाँ बैठा हुआ है, किसी की नज़र पड़ रही है या सब आंखें? नहीं मैडम, नहीं मैडम, हम लोग तो अपने से जितना भी बनता है मैडम एडजस्ट कर रहे हैं। अगर सामने में कोई, क्योंकि खाने पीने का कोई दिक्कत मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही है मैडम, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और जो करना चाहता है तो अच्छी बात है मैडम। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमें हमेशा सपोर्ट मिलता है, और हम यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं है, और ना कोई अधिकारी का सपोर्ट नहीं है, ना कोई हमें खाने पीने के लिए भी उतना सहायता नहीं कर रहा है मैडम। जितना हम लोग को सुविधा होना चाहिए उतना नहीं होना, हम सुविधा या हमें किसी को मदद नहीं मांग रहे मैडम, बस हमें वर्दी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप बता रही हैं कि आपके साथ 6 लड़कियां और हैं जी। देखिए, आपने मेडिकल पास किया है, आपने दौड़ पूरी की है, और उसके बाद आपने टेस्ट भी क्लियर किया, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, आपके साथ 6 लड़कियां हैं और आप रास्ते में हैं, पैदल यात्रा निकाल रही हैं, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? सर, दिक्कतें तो बहुत सारी आ रही है मैडम, आप सोच सकते हो कि आप भी एक लेडीज हो कि आपको किस तरीके से दिक्कतें आ रही है। यहाँ कह कि एक मतलब लेडीज प्रॉब्लम की कहीं कहीं पर बाथरूम की भी सुविधा नहीं रहता है, तो एक बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक नरेंद्र मोदी ने तो नारा दे दिया मैडम, लेकिन उस नारे का कुछ महत्व नहीं है। बेटी पढ़ भी गई मैडम, और आज वो बेरोजगार के लिए धर धर की ठोकरें खा रही है, कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर, कभी फुटपाथ पर, ना खाने की ना पीने की, क्योंकि हम लोग 1 साल में दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किए थे मैडम, हम लोग के साथ बहुत अन्याय हुआ था कि कई बार लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए थे, और कई बार हम जेल भरो आंदोलन भी किए थे मैडम, तो हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है मैडम, लेकिन हम बिल्कुल अनिता, देखिए लाठी चार्ज भी हुआ है, जुल्म भी हुआ है, आवाज भी उठाई गई, कोरोना के नाम पे खदेड़ा भी गया, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। 2021 से 2022 के भी 6 महीने गुजरने वाले हैं,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनील, आप तो दिल्ली में मौजूद हैं, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, उसमें कितनी लड़कियां हैं, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या कोई आपके सामने आया है, कोई अधिकारी, किसने पूछा है कि आप कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि जब हम फील्ड पर उतरते थे, जब आप आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी कि आप लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, जब हम रोड पर इकट्ठा होते हो तो वहां से हमें भगा दिया जाता है, हम पर लाठीचार्ज किया जाता है। देखिए मैम, दिल्ली में जो हमारा प्रोटेस्ट था, हमने किया जितना हमसे हो चुका था, लेकिन फिर हमने एक आस लगाई थी कि हम नागपुर जा करके प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि एक हमारे हमें लगते हैं कि जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उसमें एक नेता अच्छे हैं, में हमारी बात सुनेंगे, जो एक तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष पद के भी दावेदार थे और प्रधानमंत्री के भी दावेदार थे, हमने उनसे आस लगाई थी, लेकिन उनके भी लेटर कई बारी हमारे जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे हमने दरख्वास्त लगाई है, उन्होंने कई बारी लेटर लिखी है अमित शाह जी को, लेकिन अमित शाह जी ने उनका कोई रिस्पांस नहीं दिया है। फिर एक बारी हमारे पास में रामदास अठावले जी आए थे, जब हमने प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि हम आपकी मीटिंग अमित शाह जी से कराएंगे, कृपया करके आप अनशन तोड़ दीजिए। तो मैम, जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, वे सिर्फ आश्वासन और लुभावना वादा करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो फिर उम्मीद किससे? जब उन्होंने ये बात कही थी, कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं, जो मंत्री हैं, जो भी हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि वो आश्वासन देते हैं, वो कहते हैं कि मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती, तो आप फिर किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद मैम, हम सोशल मीडिया से और आप जैसे पत्रकारों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके थ्रू हमारी आवाज पहुंचेगी, कोई हमारी बात सुनने के लिए आएगा और हमसे मुलाकात करेगा, क्योंकि हमने जितने भी मंत्री थे उनके पास में ज्ञापन दे दिए, हमने मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मिलने के लिए भी नहीं बुलाया। हमारी एक बार मीटिंग हुई थी जिसमें SSC के भी लोग थे और हमारे ओवर एज होने के बाद तो कोई विकल्प नहीं बचता है, उसके बाद ये कह दिया जाएगा कि आप ओवर एज हो चुके हैं, आप इस नौकरी के लायक अब नहीं है, उसके बाद क्या विकल्प है? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। मैं 75% अभ्यर्थी है जो ओवर एज हो चुके हैं, आप खुद सोचिए कि जिसके 4 साल बर्बाद हो चुके हैं और वो इसलिए गुहार लगा रहा है कि हाँ मेरे 4 साल कौन देगा, जब उसने तैयारी की है, फिजिकल दिया है, मेडिकल पास किया है, रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, और उसके बाद के अपने 4 साल बर्बाद करता है। आपको भी बताओ कि 18 से 23 साल ही लिमिट रहती है पैरामिलिट्री फोर्स की, तो इस दरमियान आप खुद सोचे कि जब हमने इतनी मेहनत करके इतने स्टेप सारे पास कर लिए हैं, तो एज ओवर का तो कोई महत्व ही नहीं रहता ना हम पे। क्या आगे कोई और तैयारी का विकल्प है सुनील, क्योंकि सरकार तो सुनवाई नहीं, तैयारी का तो विकल्प किसी और पद पर तैयारी की उम्मीद? मैम, और पद पर तो तैयारी की उम्मीद तब लगाएंगे ना जब एक सपना होता है देश सेवा करने का, और देश सेवा करने का सपना जो है ये नागपुर से पैदल मार्च निकलवाता है और दिल्ली के लिए उनको प्रोत्साहन करता है कि आप दिल्ली आइए, तो ये एक देश सेवा का जुनून है, ये किसी और की तैयारी करने के लिए नहीं कह सकता। जब आप खुद सोच सकते हैं मैम, आप अंदाजा लगाइए कि 15-16 महीने हो चुके हैं, जब हम एक ही टकटकी लगाए बैठे हैं कि अमित शाह जी हमारी बात सुनेंगे। बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ, मैं फील्ड पे भी उतरी थी, आप लोगों से बात भी की है, आप लोगों की आवाज भी उठाई है, लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार की तरफ से कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, तो आगे विकल्प कुछ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आगे आप क्या करेंगे? माँ बाप ने भी आस लगाई है, माँ बाप से इतना दूर आपके साथ लड़कियां भी होंगी, अनीता मेरे साथ बनी हुई, अनीता के साथ भी और लड़कियां होंगी, अपनी बेटी को देश के अलग अलग राज्य से यूं पैदल यात्रा करना, फिर दिल्ली में जाके धरना देना, अपने बेटी से इतना दूर रहना, अपने बेटे से इतना दूर रहना, माँ बाप के लिए भी दुखद है बहुत ज्यादा। मैम, सबके माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन उनका भी माँ बाप का भी एक सपना था कि हमारा बेटा देश की सेवा करेगा और सरहदों पर जाकर के दुश्मनों से लड़ेगा। आप खुद सोचिए कि जब दूसरे देश अपने एक नागरिक को ये कहते हैं कि पहले आप देश सेवा करिए, उसके बाद में आपको नागरिकता मिलेगी, और हमारे देश में ये है कि आप हमारे हमारे जो नागरिक है और जो युवा है
सारे रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं, मेडिकल क्वालिफाइड करते हैं, फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, उसके बावजूद भी पद रहते हुए ऐसा नहीं है कि है मैडम पद नहीं है। 60,210 वैकेंसी निकाली थी, 55,000 इन्होंने फिल करी, 5,000 छोड़ दी गई। जब इनके पास में खुद के पद है और इनके पास में योग्य उम्मीदवार है, उसके बावजूद भी ये नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये एक नौकरी का संसाधन नहीं है, ये मैम एक देश सेवा का करने का एक जुनून है, जिसके हम इन्हें महत्व समझा रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आप लोगों का जो जुनून है, जो जज्बा है, यूं ही बना रहे, क्योंकि देशभक्ति का जो जुनून सवार है आप लोगों पर, वो मैं पिछले 1.5 साल से देख रही हूं। आप लोगों की आवाज़ हम बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे, और एक बार फिर से आप लोगों के पास हम आएंगे, हम जुड़ेंगे आपकी आवाज़, हम यूं ही बनेंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आपके साथ बना हुआ है, आपके साथ है किसी भी समस्या में, क्योंकि आप देश के लिए लड़ रहे हैं, देश का होने के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आवाज़ का एक खास एडिशन जो SSC GD कांस्टेबल 2018 के अभ्यर्थियों के लिए था, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, हर किसी से न्याय की गुहार लगा चुके हैं कि न्याय मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, 4 साल बर्बाद हो चुके हैं, मासूम बेटियाँ भी हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हर बार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और की आवाज़ बनकर, फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।